सीएम योगी ने एक बार फिर गठबंधन पर निशाना साधा है। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष ने जाति मजहब के नाम पर बांटने की राजनीति की है। साथ ही कहा है कि यूपी में कांग्रेस का सफाया पक्का है। लोकसभा चुनाव का 4 चरण संपन्न हो चुके हैं। पूरे देश के अंदर मोदी जी की जो लहर है वह एक सुनामी बनकर के सामने आ चुकी है। कांग्रेस नेतृत्व का इंडी गठबंधन पूरी तरह इसकी हवा निकल चुकी है। इनकी नकारात्मक राजनीति को जनता ने पूरी तरह खारिज किया है। मुझे आश्चर्य होता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनको सच बोलने की आदत डालनी चाहिए। यूपी में तो कांग्रेस का वैसे भी सफाया है, बूढ़ी नहीं खुलने वाली इनकी। और कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, जिन लोगों ने हमेशा बंटवारे की राजनीति की हो, कांग्रेस का तो इतिहास है, देश को पहले बांटा, फिर जाति मत और मजहब के आधार पर पूरे देश को बांटा, क्षेत्र और भाषा के आधार पर बांटा, आज फिर उसी प्रकार की विभाजन की राजनीति ये लोग करके देश की पूर्ण क्षति करना चाहते हैं। भारत का जागरूक मतदाता 2014 में कांग्रेस से पिंड छुड़ा चुका है, अब कांग्रेस कभी पुनः देश के अंदर सत्ता में नहीं आ सकती है। दूसरा, झूठ बोल करके गुमराह करने की जो राजनीति करते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सर्वाधिक अपमान कांग्रेस ने किया। समाजवादी पार्टी की भी जब प्रदेश में सरकार थी, इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उन सामाजिक न्याय के पुरोधाओं का कितना बड़ा अपमान किया था, क्या ये सच नहीं? 2012 में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी रहे थे, इन्होंने कहा था कि यहां पे जितने भी दलित महापुरुषों के स्मारक बने हुए, इन सबको तोड़ करके यहां पर हम लोग कोई दूसरी चीज बनाएंगे। ऐसे ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बना हुआ कन्नौज का मेडिकल कॉलेज का नामकरण इन्होंने हटा दिया था। मान्यवर कांसी राम जी के नाम पर बना हुआ मेडिकल कॉलेज का नाम इन्होंने बदल दिया था। लखनऊ में भाषा विश्वविद्यालय का नामकरण इन्होंने बदल दिया था।